बाखमुत में रूस यूक्रेन की भीषण जंग चल रही है। रूसी ठिकानों पर क्लस्टर बम से हमले की आशंका जताई गई है। क्लस्टर बम से हमले का दरअसल एक वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए, यही वो वीडियो है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। बाखमुत से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि क्लस्टर बम का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें देखिए, खबर है वॉर जोन में रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक जारी है। रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूसी हमले में यूक्रेन सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। सीक्रेट मिशन पर रूस का बॉम्बर TU-95MS बॉम्बर ने अचानक से उड़ान भरी है। परमाणु मिसाइलों से लैस है यह बॉम्बर। और देखिए, बड़ी अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। TU-95MS बॉम्बर की उड़ान को लेकर यह कहा जा रहा है कि रूस एक बार फिर यूक्रेन पर विनाशक हमले करने की तैयारी में है। आइए देखते हैं इस लंबी दूरी तक मार करने वाले इस बॉम्बर की खासियत है क्या। महाविनाश की आहट इसे क्यों समझा जाता है। रूसी TU-95 की उड़ान से जुड़ी अहम जानकारियां। न्यूक्लियर मिसाइल गिराने की ताकत है इसके पास। पहली बार साल 1952 में इसे उड़ाया गया। सबसे तेज प्रोपेलर विमानों में इसे शामिल किया जाता है। बॉम्बर लंबी दूरी की मिसाइल से लैस है। करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। बॉम्बर में 4 कुज़नेत्सोव NK-12 इंजन लगा हुआ है। 8000 किलोमीटर तक उड़ान की इसकी क्षमता है। अमेरिकी ठिकानों को यह टारगेट कर सकता है। 11000 किलोग्राम पेलोड ले जाने में यह सक्षम है। क्रूज मिसाइल फायर करने की इसकी ताकत है। रूस के पास 50 से 60 TU-95 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। SP सिन्हा साहब, आने वाला जो वक्त है वो किस कदर विनाशकारी हो सकता है, इसकी साफ तौर पर आहट नजर आती है, संकेत नजर आते हैं। मेरा ख्याल है कि रूस न्यूक्लियर कार्ड खेल रहा है। स्ट्रेटजी नंबर 2 उसका है कि नाटो के बीच में फूट डालो, और शक्ति यूक्रेन को यदि कोई प्रदान कर रहा है तो नाटो कर रहा है और अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो यदि नाटो के कैंप में यदि कन्फ्यूजन होगा, उसकी हेड काउंट घटेगी, तो स्वाभाविक है कि नाटो कमज़ोर पड़ेगा, जेलेंस्की कमज़ोर पड़ेगा। तो ये जो 5 पॉइंट अंजली ने शुरू में बताया था, उसका सिर्फ मकसद है कि हेड काउंट कम करो, कन्फ्यूजन पैदा करो एनिमी कैंप में, ताकि उनमें संघर्ष हो, मनमुटाव हो और उनकी हेडकाउंट कम हो। जी, यानी कि आप फूट डालो की राजनीति करने वाले हैं पुतिन। सिन्हा सर जो कह रहे हैं उसके हिसाब से ये स्ट्रेटजी क्या काम कर पाएगी पुतिन की, ये देखना दिलचस्प होगा।